नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझे में। दोस्तों, जिस तरीके से आनंद मंदिर सिनेमा वाराणसी में खेसारी लाल यादव की फिल्म फरिश्ता का स्वैग दिख रहा है, वो वाकई चौंकाने वाला है। कल मैंने जो है आपको कई सारे वीडियोस दिखाया था, और वीडियोस में जिस तरीके का क्राउड नजर आ रहा है, जिस तरीके से लोग अपना एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, हालांकि अभी जो वीकेंड नहीं आया है, मतलब सैटरडे संडे को थोड़ा सा लोग फ्री रहते हैं तो और भी ज्यादा मात्रा में लोग देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन होली की सुबह भी तमाम भीड़ जो है वो खेसारी लाल यादव के इस फिल्म को देखने के लिए लगी हुई थी। और इस भीड़ में सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ लोगों को ये फिल्म भी काफी ज्यादा पसंद आ रही है। और इसीलिए शायद जो है हर टाइम पीरियड में जो फिल्म लग रही है, कि क्योंकि टाइम पीरियड होता है अलग अलग सेक्शन में, तो हर टाइम पीरियड में जो है इस फिल्म को देखने के लिए लोगों का एक्साइटमेंट जो है वो काफी मात्रा में नजर आ रहा है। इस कड़ी में आनंद मंदिर थिएटर बनारसी के द्वारा एक वीडियो साझा किया गया है, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिनेमा घर के बाहर किस तरीके से भीड़ लगा हुआ है। मतलब ऐसा भीड़ लगा हुआ है जैसे कि 10 दिन किसी को खाने को ना मिले हो और खाना मिल रहा हो, फ्री में बट रहा हो, इस तरीके की भीड़ लग रही है। मतलब खेसारी लाल यादव की फिल्म का इतना स्वैग जो है वो वाराणसी में लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है कि बनारस जैसे शहर में अगर खेसारी की फिल्म को देखने के लिए बाहर हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये साबित करती है कि आखिरकार ये फिल्म लोगों को कितना ज़्यादा पसंद आ रही है, या फिर अपने स्टार पे भरोसा है कि ये फिल्म पसंद आएगी। इस वीडियो को साझा करते हुए आनंद मंदिर थिएटर वाराणसी ने लिखा है कि इस वीडियो को देखिए, आनंद मंदिर में फरिश्ता की मैटिनी शो, इस भीड़ को देखिए, इस भीड़ में महिलाओं की संख्या को देखिए, और यह बात समझिए कि भोजपुरी दर्शक भोजपुरी फिल्मों से दूर नहीं गया है। यानी कि जो भोजपुरी दर्शक है वो भोजपुरी फिल्मों से दूर नहीं गए हैं, खुद भोजपुरी फिल्में दर्शकों से दूर होती चली गई है। तो यह समझिए कि जब भी निर्माता निर्देशक भोजपुरी प्रोजेक्ट ना बनाकर भोजपुरी फिल्मों का निर्माण करेंगे, दर्शक उनका साथ देंगे, और शायद इसीलिए इस फिल्म पर बेहतर तरीके का काम किया गया है, और यही वजह है कि लोगों का क्राउड और लोगों का भीड़ जो है वो इस फिल्म को देखने के लिए लग रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट